कि आपका बच्चा सच में स्टूपिड है जो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, इसे प्लीज आप स्कूल से निकाल लो। तब उसकी मदर ने रिप्लाई किया, मेरा बच्चा स्टूपिड नहीं है, जिसे मैं खुद पढ़ाऊंगी और देखना वो एक दिन एक बड़ा इंसान भी बनेगा। ये सारी चीजें होने के बाद उस बच्चे को बड़ा बनने का बहुत ज्यादा डिजायर हुआ और फिर उसने अपनी परसिस्टेंसी के दम पे सक्सेसफुल बन के भी दिखाया। उसके कमाल के परसिस्टेंस का एक एग्जाम्पल था लाइट बल्ब का इन्वेंशन। हाँ, मैं जो बच्चे की बात कर रहा हूँ वो थे थॉमस एडिसन। एडिसन अराउंड 1000 बार फेल हुए थे लाइट बल्ब बनाने के प्रोसेस में, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और फाइनली ट्राई करते करते लाइट बल्ब बना के दिखा ही दिया। परसिस्टेंस का एक और ग्रेट एग्जाम्पल है कोलोनल सैंडर्स, जिन्होंने 65 ईयर्स की एज में कंगाल हो जाने के बाद जो अपनी मॉम की स्पेशल फ्राइड चिकन की रिसिप्ट लेके एक पार्टनर को सर्च करने निकल गए जो उनकी रिसिप्ट को पॉपुलर करने में उनकी हेल्प करता। वेल, एज एक्सपेक्टेड, बहुत कम लोगों ने इनकी बात में कुछ इंटरेस्ट लिया। इनफैक्ट उन्हें इन टोटल 1009 टाइम्स रिजेक्शन और नो सुनने मिला, लेकिन फिर फाइनली उनके परसिस्टेंस ने काम करके दिखाया एंड 1009 बार रिजेक्ट हो जाने के बाद फाइनली उन्हें एक यस सुनने मिला, जिसके बाद जो सारी चीजें हुई उसने उन्हें मिलियनेयर बना दिया और आज KFC इतनी बड़ी चीज बन गई है जिसे आप सब जानते ही हो। KFC के आज वर्ल्ड वाइड फेमस होने का रीजन है कोलोनल का परसिस्टेंट रहना। सो इसी तरह अगर आपको भी अपने सपने पूरे करने हैं तो तब तक परसिस्टेंट रहो जब तक आपके वो गोल्स पूरे नहीं होते, फिर चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, और अपने ड्रीम्स को पूरा करके ही दिखाओ क्योंकि सच में आप कर सकते हो। नंबर 4, द पावर ऑफ मास्टरमाइंड। हम इंसान एवरेज बनते हैं उन 5 लोगों के जिनके साथ हम अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। मतलब अगर आप 5 पॉजिटिव सक्सेसफुल लोगों के साथ अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करोगे रोज, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप खुद भी सक्सेसफुल बन जाओगे। लेकिन अगर आप 5 नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप खुद भी अनसक्सेसफुल ही रहोगे। अब ये सच में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे आपको बहुत ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यही होता है, अनसक्सेसफुल लोगों को आप देखोगे तो वो हमेशा नेगेटिव लोगों से ही घिरे होते हैं जो हमेशा उन्हें डिस्करेज करते हैं और नेगेटिव बातें ही करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी अच्छी बातें सीखने, समझने और बहुत कुछ अच्छा सोचने के बाद भी वो कुछ अच्छा कर नहीं पाते। जबकि दूसरी तरफ सक्सेसफुल लोग ज्यादातर एनकरेजिंग और पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में भी बहुत हेल्प करते हैं। हम इंसान सोशल क्रिएचर्स हैं जो आप मानो या ना मानो बट अपने सराउंडिंग के लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं।